नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। अयोध्या प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप कायाकल्प किया गया है। जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आज अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक किया। इस बैठक में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री बृजेश सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, विधायक अमित सिंह चौहान व संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने बताया कि 22 जनवरी को भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। उससे पहले जो यहाँ योजनाएं चल रही है सभी की समय सीमा तय कर दी गई है। जो सड़कें हैं, जो सुंदरीकरण के कार्य हैं, सेतु, रेलवे ओवरब्रिज उसके कार्य हैं, जो बिल्डिंगों के कार्य हैं, उन सभी के लिए समय सीमा बांध दी गई है। सभी कार्य समय सीमा के अंदर कराए जाएंगे। उन्होंने बताया आने वाले 15 दिनों में अयोध्या नगरी खिलकर सामने आएगी। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप अयोध्या नगरी का कायाकल्प किया गया है। अयोध्या करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना है। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने क्या कहा। अयोध्या जिला ब्यूरो चीफ बीसी मिल्हा खान की रिपोर्ट। आज अयोध्या नगरी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमारे साथ हमारे विभाग के राज्य मंत्री विजय सिंह जी, माननीय विधायक जी और सभी विभाग के अधिकारी गण, और बिंदुवार विस्तार से चर्चा की गई है कि आने वाले 22 तारीख का जो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा का उनका आगमन होगा, और उसके दृष्टिकोण में रखते हुए जो कार्य यहाँ लोक निर्माण विभाग करा रहा है वो गुणवत्ता के आधार पे समय सीमा पे, और ये अयोध्या नगरी का जो कायाकल्प किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है योगदान देने के लिए। तो आज विभाग में बिंदुवार समीक्षा की गई है और एक एक बिंदु पे निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द सभी जो काम पूर्ण होने हैं उसको गुणवत्ता के आधार पे समय सीमा पे पूरा कराया जाए। वो आज प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा, आप देखिएगा, स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं जो हमारे सामने दिख ही रहे हैं आपको। राम पथ है, भक्ति पथ है, तमाम ऐसे लोक निर्माण विभाग के जो निर्माण निगम है उसके अधीन भी यहाँ जो गैलरी हैं और तमाम बिल्डिंगें बन रही हैं उसके लिए भी निर्देश दिए हैं। जितने रेलवे ओवरब्रिज और सेतु के निर्माण कार्य हैं उसमें भी समय सीमा पर निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द पूरा कराएं। आप देखिएगा अयोध्या जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुरूप एक भव्य नगरी का जो निर्माण हो रहा है वो लोगों की आंखों के सामने आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।